ये कि मतलब क्या हो रहा है लोगों से बात बात हो रहा है, हम कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं ना एडमिट दिया है तो हम लोग तो भाई रोड पर है और सड़कों पर रह रहे हैं बाल बच्चा के लेके। उनके परिजनों को 15 लाख रुपया दिया जाए, साथ ही जो उनके बच्चे हैं जो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है, मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मलाही पकड़ी चौक पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पुलिस ने कल लाठी चार्ज किया था और उसके बाद जहाँ 10 लोग घायल हुए थे, वहीं एक की मृत्यु हुई। और क्या है पूरा मामला, क्या है लोगों की बात और प्रशासन क्या कहना चाह रहा है, हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर SDM मौजूद हैं सदर के, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और सर बताने के लिए कोई बाइट नहीं है, सिर्फ ये कि मतलब क्या हो रहा है लोगों से बात बात हो रहा है, हम कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव काम, जब हो जाएगा तो बता। अभी प्रशासन अभी बात करने को तैयार नहीं है, उनका कहना है कि अभी उनकी बातें हो रही हैं और जब बात हो जाएगी तब वो हमें बताएंगे कि क्या है मामला या क्या बात हो रही है। ऐसे में हम कुछ आम लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो हुआ था और ये लोग क्या मांग आप लोगों की क्या है। हम लोग का मांग है 15 लाख रुपया, इसका सरकारी नौकरी बाल बच्चा को हो, हम लोग का इस सम के रहने का व्यवस्था हो। तो अभी तुम लोग कहाँ रह रहे हो? हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं, रोड पर जो उजाड़ दिया है तो हम लोग तो भाई रोड पर है और सड़कों पर रह रहे हैं बाल बच्चा के लेके, हम लोग को भगा दिया, कल से भगाया है, हम लोग को खाना पीना कुछ नहीं खा रहे हैं, सारा सामान हम लोग को प्रशासन और नगर निगम वाला सब उठा के लाद के ले चल गया है, हम लोग कुछ भी नहीं है सामान। एक मेरा मित्र थे, मेरा भाई थे, हम लोग का साथी थे, बचपन का दोस्त थे, उनको भी ऐसा मारा कि उनको मित्र हो गए, मौत हो गई है उनको। राजेश राजेश जी जी राजेश जी को, राजेश ठाकुर थे, उनको मित्र हो गए हैं, मौत हो गए हैं उनका, और प्रशासन मारे हैं लाठी से, पूरा लाठी चार्ज किए हैं टोटल। हम लोग 2 घंटा का समय मांग रहे थे कि 2 घंटा के हम लोग को समय दिया जाए कि हम लोग सामान हटा लेते हैं सर, उसके बाद आपको जो तोड़ना होगा तोड़ दीजिएगा। उस प्रशासन कुछ नहीं सुना कि हटाओ, अभी हटाओ, नहीं हटाओ तो वोल्टेजर चढ़ा देंगे, ऐसे में वोल्टेजर चढ़ा दिया हम लोग पर। और क्या कि नहीं हटाए तो माचिस भी मार दिया है, आग भी लगा दिया है झोपड़ी में पुलिस ने जी। और भी लोग घायल हुए हैं? हाँ, बहुत लोग घायल हुए हैं, हमारा माता भी घायल हुए हैं, हमारा चाची लोग भी घायल हुए हैं, और हमारा भाई लोग भी हैं, दोस्त यार भी है, वो लोग भी मार पीट किया है, प्रशासन मारा है, 8 साल को बच्चा को मार के माथा फाड़ दिया है प्रशासन ने। इनका कहना है कि 8 साल के बच्चे पर भी पुलिस के डंडे चले हैं और जो घायल हैं, जो जख्मी हैं, वो उनका इलाज चल रहा है। और एक व्यक्ति जिनका नाम राजेश बता रहे हैं, राजेश ठाकुर, उनकी मृत्यु हो गई है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और इन लोगों ने उनके शव को इसी चौराहे पर रखा। और इनकी मांग प्रशासन से है कि उनसे उन्हें उनके परिजनों को 15 लाख रुपया दिया जाए, साथ ही जो उनके बच्चे हैं जो अभी छोटे हैं मगर जब बड़े होंगे तो उन्हें सरकारी नौकरी का सरकार इंतज़ाम करे। ऐसे में जब हमने प्रशासन से बात करने की कोशिश की, हमने जो SDM साहब हैं उनसे बात करने की कोशिश की, तो अभी उन्होंने बात करने से इनकार किया। उनका कहना है कि अभी बातें हो रही हैं, जब बात हो जाएगी तब आपको बताया जाएगा। ऐसे में बहरहाल ये सबसे बड़ा मामला है कि अगर पटना को स्मार्ट सिटी बनाना है, अगर पटना में मेट्रो चलाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गरीबों के घरों पर मेट्रो ट्रेन की पटरी बिछे, मगर ये ज़रूरी है कि अगर आपको मेट्रो ट्रेन बनाना है तो इनकी मांग है कि इसके जगह पर उन्हें कोई जगह दी जाए, इसके लिए उन्हें रहने का ठिकाना दिया जाए। बहरहाल ये सरकार को सोचना होगा, क्योंकि ये इनके पास सारे वो दस्तावेज़ हैं, जैसा कि इनका कहना है, इनके पास वोटर आईडी कार्ड भी है जिसके आधार पर ये वोट देते हैं, और वोट के समय इनसे नहीं पूछा जाता कि ये अतिक्रमण की ज़मीन पर रह रहे हैं तो इन्हें वोट नहीं देना चाहिए। ऐसे में जो प्रतिनिधि हैं इनके, जो चुनाव के समय हाथ जोड़कर आते हैं, वो लोग अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, और इनकी मांग है कि वो लोग आएं और आवाज़ इनकी बुलंद करें, ताकि जब ये चुनाव के समय वोट देते हैं वैसे समय में सिर्फ इनका फ़ायदा हो, इनसे फ़ायदा लिया जाता है, मगर जब इनकी बारी आती है तो लोग हाथ खड़े कर देते हैं। इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।